राधे दोस्तों, ये जो आप प्लास्टिक में देख रहे हैं ये चीज है क्या? ये है नीमू सत का पौधा। ये जो पौधा आप देख रहे हैं दोस्तों, ये नीमू सत का पौधा है। देखिए किस तरह से ये जो पत्तियां है एकदम सूखने लगा है। और ये हमें बताना नहीं पड़ेगा कि ये जो नीमू सत का पौधा है ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो दोस्तों, ये जो नीमू सत का पौधा है इसका जड़ देखें बाहर आ गया है, और कम से कम ये साल भर से इसी प्लास्टिक में है। और अब इसका समय आ गया है रिपोर्ट करने का। यदि हम रिपोर्ट नहीं करते हैं तो ये पौधा हमारा धीरे धीरे इस तरह से सूख जाएगा। और ये किसी से छुपा नहीं है, ये हमारे शरीर के लिए वरदान साबित होता है। जो अभी शॉर्ट में भी देखते होंगे कि अल्कलाइन वाटर पीने के लिए कहता है, तो अल्कलाइन वाटर में ये भी शामिल होता है। इसका भी डंठल लगता है, जिसमें खीरा हो गया या आपका ककड़ी हो गया। इस तरह से आप अल्कलाइन वाटर डालकर, इस पानी में डालकर इसका भी डंटी डालते हैं तो आपकी शरीर में नई नई ताजगी मिलेगी और रोगों से लड़ने के लिए क्षमता मिलेगी। और इसका ग्रीन टी भी बनाकर पिया जाता है। तो दोस्तों, ये चीज के बारे में आप जानते होंगे, तो ये नीमू सत का पौधा अपने घर पर जरूर लगाएं। दोस्तों, अभी जो हम रिपोर्ट करने वाले हैं, ये जो देख रहे हैं इसी डब्बा में हम रिपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि इसका जड़ जो है बहुत ही घना होता है। और यदि हम इसको किसी मट्टी का गमले में लगाते हैं तो गमले को हमारा फाड़ देता है। और ये मजबूती है, ये जो आप देख रहे हैं डब्बे, ये बहुत ही मजबूत है। इस तरह का यदि आपके घर में डब्बे का काम होता है तो इस तरह का डब्बा आप कभी भी ना फेंके, इसे छुरी से कट कर लें। कट करना बहुत ही आसान है, छुरी को गर्म करके आसानी से आप कट कर सकते हैं। अब रही बात कि इसका हम जितना भी सूखी पत्ती है और इसका जो जड़ है, हम सारा को कटिंग करेंगे और कोशिश करेंगे कि छोटा सा छोटा वीडियो बनाएं। तो आप देखते रहें कि हम इसे कैसे कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो आप प्लास्टिक देख रहे हैं, ये प्लास्टिक बहुत ही मजबूत था, तभी आप देखें जड़ों का किस तरह से हाल हुआ है। यही यदि हम प्लास्टिक के गमले में लगाते हैं तो हमारा प्लास्टिक का गमला जो है फाड़ देता। तो इसे हमें अब हमें इसे करना है रिपोर्ट। और इस तरह से हमें क्या करना है, जड़ों की कटाई, इस तरह से कटाई कर लेते हैं। कैसे एक सब्जी की तरह इस तरह से कट गया है, मतलब कि पूरा जड़ एकदम भरा पड़ा है इसमें। इस तरह से आपको इसका सफाई करना है, इस तरह से सूखी पत्ती को हटाना है, पुराना लीफ को हटाना है, इस तरह से। यदि मार्केट में खरीदने के लिए जाएंगे तो ये 2-3 यदि देता है तो आपसे 100-150 रुपया लेगा नीमू सत। और ये आपके घर में नहीं भी तो कम से कम 100 पौधा से कम नहीं है। तो हमें क्या करना है, जितना आपको जरूरी है उतना आप लगाएं, बाकी आप देना चाहें तो किसी को दे सकते हैं। तो इस तरह से हम सफाई कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना मेहनत के बाद ये स्वस्थ जो है नीमू सत को हम निकाल लिए हैं। और इसे ही लगाना है, किस तरह से हम सफाई किए हैं इस तरह से हमें सफाई करना है नीमू सत का पौधा। यदि आपके घर पर कुछ हमारे तरह ही इस प्रकार से हो गया है तो अभी जो मौसम चल रहा है बहुत ही अच्छा मौसम है, इस तरह से अपनी नीमू सत का सफाई करके फिर से आप रिपोर्ट इसे कर सकते हैं। और दोस्तों, जब भी आप नीमू सत का यदि कुछ तना लेना चाहते हैं तो ये डंठल यदि आप लेते हैं तो ये डंठल आपकी अमृत का काम करेगा। ये जो आप इतना देख रहे हैं तो कुछ ही हम पौधा लगाएंगे और कुछ जो है हम अल्कलाइन वाटर बनाकर अपने आप में सेवन करेंगे, जिससे हमारे शरीर में अनेक तरह का जो आयुर्वेदिक चीज़ होता है,
अंग्रेजी होता है कि एक ही बीमारी का इलाज होता है और आयुर्वेदिक होता है हमारे शरीर में हमें भी नहीं मालूम है कि कितना प्रकार से रोग है, वो सारे प्रकार का रोग को ये दूर करता है नीमू सत पौधा। तो इस तरह से आप नीमू सत पौधा लगाएं और अभी हम रिपोर्ट इसे करेंगे इसी गमले में और आप देख सकते हैं कितना हमारे ये झाड़ उग चुका है। ये सारे हम फेंक देंगे और कुछ जो है हम इस डब्बे में डालेंगे, कुछ इस डब्बे में हम टिकरी डालेंगे और इसमें छेद देखें हम कितना किए हैं, चार नीचे किए हैं और एक बगल में किए हैं और एक बगल में किए, यानी कि दोनों साइड दो छेद किए हैं, चार नीचे किए हैं, ताकि अभी बरसात के सीजन है, बरसात के सीजन में डीएनए होल जो है बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से ये जो आपका नीमू सत का घास जो है इसके नीचे दिए हैं और अब डालेंगे इसमें मिट्टी। तो दोस्तों इस तरह से कर लिए हैं छेद और इस तरह से हम मुट्ठा बांध लिए हैं और इसे हम डालेंगे इसमें। साइज को थोड़ा बड़ा करेंगे, इस तरह से दाबेंगे। तो दोस्तों किस प्रकार से हम इसके अंदर डाले हैं, अब हमें डालना है मिट्टी। इस तरह से इसके ऊपर मिट्टी डालेंगे। तो दोस्तों देखें कितना सुंदर था इसका पहले का रूप और अभी का रूप देखें। तो केवल पौधा लगाने से नहीं होता है, इसको मेहनत करना होता है और मेहनत की है तो देखिए हमारे बगिया में कितना सुंदर लगेगा ये, और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही कारगर है। तो ये हमारा जो जानकारी है दोस्तों, ये जानकारी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों, राधे।